नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के परशुडी पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ पति पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी में मो अबीद, उसकी पत्नी रूही परवीन और जरीन खातून शामिल हैं। पुलिस ने इसके पास से 800 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। अनुपालन में यहाँ पे लगातार ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें परसुडी थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा काम करते हुए 800 का पैकेट का ब्राउन शुगर बरामद किया है। तो इनके द्वारा एक स्पेशल टीम गठित किया गया था, जो जिसका लीड खुद थाना प्रभारी कर रहे थे। इनके अलावा राहुल और राहुल सब इंस्पेक्टर हैं, और इसके अलावा रविकांत हैं, सत्येंद्र कुमार, सतीश कुमार, इनामुल हक, तेरेसा लुगुम और राजकुमार सिंह, ये सब ये कर रहे थे। जब स्पेशल टीम बनाया गया था, इसको ओवरऑल डीएसपी फैसला देख गए थे। तो उसमें जैसे गुप्त सूचना मिला था कि एक आबिद खान है, जो कि पहले ही मर्डर के केस में सजा हो चुका है, जो इसमें ड्रग्स का कारोबार बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो जैसे ही सूचना मिला, तो इसके द्वारा इसी के पे छापामारी किया गया इनके द्वारा, और वहाँ पे 800 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद हुआ। तो इसके बाद पता, इसके अलावा 4000 कैश बरामद हुआ था, और बाकी 32 पेटी ये मांस बरामद हुआ। तो इसमें ये है, तीन लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। इसमें एक है आबिद खान, और उसकी वाइफ है रूही प्रवीण है, और उसके अलावा एक औरत और है जिसका नाम जरीना खतम। इसमें ये उल्लेखनीय है कि आबिद खान और रूही प्रवीण का पहले से आपराधिक इतिहास है, और आबिद खान का सजा भी हो चुका है। इसमें अभी फरोर पे मार था, बाहर आके थे ये काम कर रहा था। तो इसमें काफ़ी बड़ा मामले में ब्राउन शुगर पकड़ाया गया है, और हमें उम्मीद है कि इससे ड्रग्स दोस्त होगा उनको बड़ा चक्कर मिलेगा। और कुछ लोग हैं लोगों के साथ, और क्या हो रहा है? इसके अलावा टीम में और लोग शामिल हैं जिन पर काम कर रहे हैं, अभी इनका नाम नहीं लिया गया। कीमत कितना होगा? लगभग करीब 1.5 लाख का इतिहास है इसका। ये एनडीपीएस केस में गया हुआ है, आर्म्स एक्ट में गया है, इसके अलावा रॉबरी में गया है, डकैती में गया है। सजा किस नाम में हुआ था? मर्डर हुआ था, जुलाई में हुआ। जो ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।